पहले जो देश भारत का मजाक बनाया करते थे, आज वही देश भारत में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, क्योंकि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, हार्डवेयर, लिस्ट इतनी बड़ी है कि अब दुनिया भी भारत को नतमस्तक करने को मजबूर हो चुकी है। और इसी कड़ी में भारत की टायर इंडस्ट्री रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है, जिसमें आने वाले 5 से 10 सालों में इंडियन टायर इंडस्ट्री $9 बिलियन से 2 गुने से अधिक बढ़कर $22 बिलियन के बड़े आंकड़े की तरफ बढ़ चुकी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय की प्लेयर्स अपनी क्षमता में इजाफा करने में लगे हैं, साथ ही साथ विदेशी प्लेयर्स भी भारत में मोटा निवेश करने में लगे हैं, जिससे देश में स्वदेशी रूप से टायर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत विश्व स्तर पर एक अग्रणी टायर निर्माताओं में से एक है। वहीं भारतीय टायर इंडस्ट्री जो वर्तमान में अपने कुल राजस्व का लगभग 20% अकेले निर्यात से हासिल करती है, वो 2030 आते आते 30% तक बढ़ने की संभावना है। वहीं भारत में निर्मित टायर 170 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, जिसमें से अमेरिका और यूरोप सबसे अधिक टायर खरीद रहे हैं, और भारत ने समय रहते उन देशों को पकड़ना शुरू किया है जो भारत में भारी मात्रा में टायर डंप करने में लगे थे, जिसके कारण भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स अपनी पकड़ भारतीय मार्केट में नहीं हासिल कर पा रहे थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा समय रहते एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाने से भारत के आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलती दिखाई दी है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से टायर आयात को कम करने में काफ़ी मदद मिल रही है। इसी के साथ ही साथ भारत प्रीमियम और लग्जरी टायर सेगमेंट में भी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिससे इम्पोर्ट मार्केट में अपनी दावेदारी को और मजबूत किया जा सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत उन देशों पर नज़र बनाए हुए है जो भारत में टायर की डंपिंग करके भारत के मार्केट को अस्त व्यस्त करने में लगे हैं, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार के रास्ते चीन कई बार घुसपैठ करके भारत को चोट पहुंचा चुका है। वहीं वियतनाम और थाईलैंड भी इस सेगमेंट में भारत को समय समय पर नुकसान पहुंचाते रहे हैं, पर भारत ने चीन से जुड़ी उन सभी कड़ियों को ढूंढ ढूंढ के तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें अब भारत ज़मीनी स्तर पर कड़े कदम उठाने में लगा है। यहाँ भारत सीधे सीधे चीन की मोनोपोली को टक्कर देने के मन से आगे बढ़ चला है, जिसके परिणाम अब दुनिया को भी हिलाने में लगे हैं, क्योंकि भारत ने कम वक्त में ही पूरे टायर इंडस्ट्री की रूपरेखा ही बदल दी है।